देखिए ये जो लाहौर का फोर्ट है इसको तीसरे मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने रीबिल्ड किया था सॉलिड मेसनरीज में पक्की ईंट से बनाया। तो 1566 से 74 अकबर की तामीरत, 1611 से 18 जहांगीर, 1631 से 48 शाहजहां। ये तकरीबन 40-42 एकड़ में ये किला है, रेक्टेंगल में है और ये रावी दरिया के लेफ्ट बैंक के ऊपर 60 फीट के एलिवेशन पर बना। दरअसल हिंदुस्तान में जो तीन बड़े शहर हैं आगरा, दिल्ली और लाहौर, इसमें दिल्ली का किला और आगरे का किला जमुना रिवर्स के ऊपर बने, ये रावी के ऊपर बने। मुगलों के बाद 50 साल सिखों ने हुकूमत की 1799 से 1847 यहाँ ब्रिटिश ने इसको एज ए गैरिजन यूज़ किया, मिलिट्री बैरिक्स। तो ये किला जो है इसमें तीन पीरियड है। ये रणजीत सिंह का दरबार था जिसको हम पंजाबी में अठ दरा कहते हैं। ये रंजीत सिंह की मॉडिफिकेशन है सिखों की, ये बाद में बनी। इसमें वो उसका मेन गुरुद्वारा, ये दीवार भी जो है ये भी सिखों की। उससे पहले ये बागीचा था मुगल दौर में, इसके दरमियान में इसका बड़ा दरवाज़ा जो कि नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ये 1631 में तामीर हुआ, शाहजहाँ ने अपनी बीवी मुमताज़ बेगम अजमल बानो के लिए बनाया था। सही आप इसका जो असल नाम था रणजीत सिंह ने इसको शीश महल का नाम दिया और ये बादशाह ने अपनी बीवी मुमताज महल के लिए बनाया था, जो कि अनफॉर्चुनेटली बच्चे की पैदाइश में उसकी सडन डेथ हो गई, उसकी याद में फिर ताजमहल आगरा बना। तो शाहजहाँ की बिल्डिंग जो है इसमें हमेशा आपको कलर्स नजर आएंगे, मार्बल में भी, शीशों में भी और इसी तरह दूसरे फ्रेश स्टोन लगे होते हैं। ये पिलर बॉटम पे सारे जो जिसको आप याकूत, लाल मुरजान, नीलम पुखराज, सारे जम स्टोन लगे हैं। तो अभी एक छोटी सी मिथ भी आपसे शेयर कर रहा हूँ कि शाहजहाँ की बेगम ने किरिंग में कहा था कि काश ये सितारे और चाँद फिर इसको इस तरह बनाया। रात को जब कैंडल यहाँ ऊपर लटकाई जाती है उसकी रिफ्लेक्शन से मैनी मैनी थाउजेंड स्टार्स वर ट्विंकलिंग। तो ये महल जो है इसके अंदर पूरा कूलिंग सिस्टम था इसके नीचे गर्मियों के लिए और ये मलका बहुत बेडरूम था इसमें आपने देख लिया ना। रिफ्लेक्ट हो रही है। रूम था दीवार पूरी 455 मीटर लंबी, उसके साथ दीवार कैसे बनाई बेटा? पीछे पीछे हो जाओ आप। ये सामने अगर आप देखें तो इसमें उस जमाने में जब वॉकी टॉकी वायरलेस वगैरह बनाया कि इसके हर 20-10 के फासले पे ये विंडो और मैशन स्टार्ट हो, जंग के दौरान जो सिक्योरिटी है वो आपस में वर्बली कम्युनिकेट कर सकते, दूसरे को आवाज़ लगाते थे विंडो टू विंडो। नीचे दरिया था, ये वाली बाहर की दीवार सिखों ने बनाई थी। सही है। तो ये इस तरह के कमरे सुल्तान आप पंखे के बगैर उसके
एसी के। आप यहाँ इन कमरों में शहजादियाँ मलका की खवातीन बैठी और उनको चारों तरफ से हवा है, इसको विंड रूम कहते हैं। इसमें सारी आठ दरवाजे लगे हुए हैं। मेकअप रूम, ब्यूटी पार्लर, आज की ज़बान में आप इसको ब्यूटी पार्लर कहते हैं। ये सारे प्रेशियस स्टोन लगे होते हैं। ये जो दरवाज़ा है इसके अंदर सीढ़ी है जो इसके नीचे तह खाने में समर पैलेस में जाते हैं। सही, 400 साल पहले गर्मियों में खवातीन नीचे समर पैलेस में। सही, गर्मियों अभी तो बंद है, ठंडा नहीं बना। ये नौ लखा बंगला है, ये बिल्डिंग इसको नौ लखा कहते हैं। इसके अंदर भी सारे प्रेशियस स्टोन लगे हुए हैं। इसकी जो छत है ये बड़ी यूनिक उसके ताज की तरह है। मतलब अंदर से लुक्स लाइक वर्ल्ड है, लेकिन हम आपको अभी म्यूजियम की तरफ ले चल रहे हैं क्योंकि ये जो पुरानी फिल्म थी ना मुगले आजम, उसमें भी उन्होंने महल का ही सेट लगाया, जिसमें वो गाना मशहूर जब प्यार महल है शाहजहां ने, वो तो काफ़ी सारा यूज़ इसमें काला बुर्ज है, लाल बुर्ज है। वो गर्मियों में मुगल खवातीन बैठती थी ऊपर और ठंडी हवा। चहल कदमी करना, गेट टुगेदर होना, वॉट्सअप करना, इसमें उस ज़माने में फूलों के फ्लावर बेड होते थे और ये फाउंटेन वाज स्प्लैशिंग विद सेंटेड वाटर, परफ्यूम वाटर से चलते। ये कॉरिडोर्स थे बरामदे चारों तरफ सजे हुए, बेड सोफे कुर्सियाँ लगी, यहाँ पे बैठ के चेस खेलना, अच्छी सी खेलना, ताश खेलना, उनके लिए एक रिलैक्सिंग रूम होते थे। सही, और ये शाही खानदान के लिए बना, हमाम तुर्किश बात, हमाम तुर्किश बात में इसके तीन हिस्से थे, कोल्ड हॉट एंड स्टीम, तीन हिस्सों में मुश्किल, ठंडा बात, कोल्ड और स्टीम, फिर इसमें इधर कमरे थे, तो ये कवर्ड था सारा बात तो वो भी आ रहा है। शाहजहां का दरबार खास भी, दीवाने खास, ये दीवाने खास, ये वो इमारत है जिसमें बादशाह जब लाहौर में आता है तो इवनिंग टाइम पे अपना दरबार लगाता, जिसमें बड़े बड़े उमरा और बड़े बड़े डिग्नेटरीज जो थे लाखों की नजराने लेके बादशाह की खिदमत में आ रहे। तो यहाँ पे रात को एक डिनर पार्टी रक्सो शुरू ये रणजीत सिंह का सबसे छोटा बेटा था महाराजा दिलीप सिंह, कोई नहीं हीरा जो था ब्रिटिश लॉर्ड मिले को अहमदाबाद। ये दिलीप सिंह जो था इसकी इंग्लैंड में दो शादियाँ हैं, दो शादियों में इसके पांच बच्चे थे, तीन बेटे दो बेटी, एक बेटी प्रिंसेस बंगा 1936 में लाहौर आकर सेटल हुई, बाद में उसने 1950 में 88 कलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कैलेंडर के अहमदाबाद की, इसको हम प्रिंसेस बंगा कलेक्शन कहते हैं, इसमें ये तस्वीरें भी हैं कुछ और चीज़ें भी। तो ये दिलीप सिंह का, और सॉरी दिलीप सिंह का तो उसका गोला बना बंदूक, ये फ्रांसीसी तमंचे हैं, ये बारूदी कुप्पी है क्या उसके लिए जंगली हाथियों को इंसान की लड़ाई भी छोड़ दिया,
दुश्मन की आर्मी को जहांगीर, ये जहांगीर की खाबगा थी बेडरूम, ये शाही मेहमान खाने थे। टूरिंग गेस्ट जो आते थे दिल्ली आगरा दूसरे शहरों से, उनको एक वन नाइट टू नाइट स्टे कराया जाता था यहाँ। और इसमें हिंदू डिज़ाइन ऑफ आर्किटेक्चर है, ये एनिमल फिगर्स, ये रेड सैंडस्टोन जो है जयपुरी पत्थर है, ये सारा राजस्थान से लाया गया था, हाथियों ने इसको ट्रांसपोर्ट किया था। जब आपके पास ट्रक और लॉरीज और इस तरह की मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती थी, तो मुग़लों की जो इमारतें हैं ये बेटा, इसको आप जनरली देखो तो इसमें आपको अमूमी तौर पे लैंडस्केप आर्किटेक्चर की रिप्रेजेंटेशन मिलती है, यानी चार बाग, बादशाह, इसके अलावा बीच में बादशाह और मलका बैठते थे, ये फाउंटेन लगे हुए हैं, ये हाइड्रोलॉजी सिस्टम है। ये मुग़ल जो थे ये बाहर से आए। अब मैं बचना है तो हमें हमाम बनाने पड़ेंगे, हमें ये पास करके आप पढ़ सकते हैं। तो जो था उसका लाहौर में 15 साल उसने रहा, इस शहर को उसने अपना कैपिटल बनाया। उसके महल्लात में अभी भी काफ़ी गैर शरई गैर इस्लामिक चीज़ें बने हुए हैं, जैसे ये सूर्या वंशी सूरत देवी, उसकी हिंदू रानियाँ जो थी, तो आपको नज़र आ रहा है वो अंदर। हाँ बिल्कुल, सो इसको सूर्या वंशी या सन गॉड कहते हैं। ये सारा बल्कि दौर की जो इमारतें उसमें आपको इस तरह के एम्बलम, इस तरह के मोमेंटो नज़र आएंगे, फतेहपुर सीकरी में, आगरे में, लाहौर में। इधर ऊपर नहीं जा सकते, नहीं ये एरिया बंद है। आम लोग जो बादशाह के सामने फरियादी या अपनी पिटिशन लेके आते थे वो यहाँ से इस गेट को यूज़ करते। इस गेट के 3 दरवाजे हैं इस किले के, एक आम लोगों के लिए, दूसरा मिलिट्री के लिए फौजियों के लिए, तीसरा रॉयल फैमिली मेम्बर के शाही खानदान। इसको अफजरी गेट कहते हैं, मस्ती गेट, आलमगिरी गेट और शाहपुर। इधर मैंने खत्म हो गया शहर और इसकी जो टोटल पुराना लाहौर है इस तरफ, हाँ इस साइड पे सारा 12 दरवाजों के अंदर, 12 दरवाजों के अंदर जो 6 अभी बचे हैं, 6 दरवाजे अब खत्म हो चुके हैं। नाम उनके हैं लेकिन गेट एग्जिस्ट नहीं करते। भाई जी बर्गर है मेरी बात आलमगिरी।